Hello everybody and a very warm welcome to my channel. I hope you all are taking really good care of yourself and you are staying home. Whenever you pray, please keep all the doctors, all the policemen, all the workers who are the cleaning staff who are going to the hospital, who are, doing their bit for us. So always pray for them and show your gratitude to them whenever it is possible. And the most important of all, stay home. तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट केराटिन ट्रीटमेंट। मैं बहुत पहले से सोच रही थी इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए, बट समहाउ विद समथिंग और द अदर आई कुड नॉट मेक इट। आई एम हियर टुडे टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक, दैट इज केराटिन ट्रीटमेंट। सो टॉकिंग अबाउट द केराटिन ट्रीटमेंट, इसका जो प्राइस है इट्स लाइक रियली एक्सपेंसिव। I've been to so many parlors and I asked them कि केराटिन ट्रीटमेंट का प्राइस क्या है। सो दे ऑल टोल्ड मी वेरिएशन, ऑब्वियसली डिफरेंट प्राइस आर डिफरेंट पार्लर्स। सो समवेयर दे टोल्ड मी इट इज़ लाइक 5,000। आई सेड ऑल राइट, एंड द मोमेंट आई ओपन माई हेयर द प्राइस रीचेज टू 10,000, 12,000, 15,000 एंड सो ऑन। सो इट इज़ बिकॉज लेंथ वाइज होता है। So it is like really expensive, and the most important thing is that we are not aware of what is keratin. अगर हम देखें कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने से, अगर आपने किसी को देखा है आपके फ्रेंड सर्कल में, somebody around you जिसने केराटिन ट्रीटमेंट कराया हुआ है, उनके बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। इट अपीयर्स एक्सट्रीमली स्ट्रेट एंड इट अपीयर्स लाइक रियली हेल्दी। तो हम सोचते हैं कि हम भी करा लेते हैं, you know it is going to benefit us as well, and because it's looking really beautiful, so wo hamare liye bhi utna hi useful rahega. So let us understand ki keratin hai kya. Keratin, it is an insoluble fibrous protein. Insoluble means ye pani mein soluble nahi hai. Fibrous means it is reshedar, and protein is a nutrient which is produced in our body. So केराटिन किसी भी हालत में एक्सटर्नली हमारी बॉडी में नहीं दिया जा सकता। केराटिन कहाँ कहाँ मौजूद होता है? केराटिन है हमारी नेल्स में, हमारे नेल्स, दीज आर द डेड सेल्स बट दे डू हैव केराटिन। ये होता है हमारे बालों में, अगेन द डेड सेल्स बट दे पजेस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। ये मौजूद होता है एनिमल्स के क्लॉज में, अगेन उनके तो नेल्स ही हैं, सो उनके क्लॉज में मौजूद होता है। एंड वूल, वूल यानी कि जो भेड़ से हमें मिलती है, वूल हमें मालूम है, उसमें भी केराटिन मौजूद होता है। केराटिन बिल्ड्स अप द एक्सटर्नल लेयर इन आवर स्किन एंड इन आवर हेयर, हमारे बालों में और हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग जो देता है प्रोटीन, दैट इज केराटिन। केराटिन ट्रीटमेंट जो पार्लर में होती है, प्लीज डू नॉट बी मिस्टेकन, इट इज नॉट अ हेयर स्ट्रेटनर ट्रीटमेंट। हम सोचते हैं कि केराटिन इज अ सब्स्टिट्यूट एंड अ हेल्दी सब्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रेटनिंग योर हेयर, इट्स नॉट। केराटिन अगर जिस भी स्किन और आपके बालों में केराटिन का कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा तो इट इज मोर इवन, यू अंडरस्टैंड, इट इज लाइक रियली स्मूथ एंड वेरी मैनेजेबल। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बाल का जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड अगर हम देखें तो इंडिविजुअल स्ट्रैंड अगर एब्सोल्युटली स्मूथ है, सो इट विल बी लाइक क्यूमुलेटिवली इट इज गोइंग टू बी लाइक रियली रियली मैनेजेबल। पार्लर में जब हम जाते हैं तो व्हाट डू? दे ऐड केराटिन प्रोटीन, दैट इज अमीनो एसिड, एक प्रोटीन होता है, वो हमारे बालों में लगाते हैं एंड देन दे आयन इट। आयन करने से जो एक्सटर्नली एसिड, अमीनो एसिड उन्होंने लगाया है, वो बालों की जो रफनेस होता है उसको लॉक कर देता है एंड बिल्ड्स अप एक प्रोटीन लेयर उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो एब्सोल्युटली स्मूथ हो जाता है। केराटिन किसी भी फूड आइटम में नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केराटिन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी फूड आइटम। हमारी बॉडी जो भी प्रोटीन और विटामिन हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करके ये प्रोटीन, दैट इज केराटिन, प्रोड्यूस करता है। और हमारी बॉडी की ये जो क्षमता है केराटिन प्रोड्यूस करने की, इसको हम एनहांस कर सकते हैं। वी कैनॉट ऑल्टर इट, और मे बी वी कैनॉट जस्ट एक्सट्रैक्ट इट इंडिविजुअली, बट यस वी कैन हैव
a healthy diet which is rich in protein, amino acids, biotin, vitamin A, all of these things. If अगर आपका जो diet है वो इन सब चीजों से rich है तो आपकी body में keratin produce करने की जो ability है वो comparatively बहुत ज्यादा होगी. केरेटिन ट्रीटमेंट जो आप कराने जाते हैं, दे आर एक्चुअली इम्बाइबिंग अ लेयर ऑफ केरेटिन, काइंड ऑफ प्रोटीन ऑन टू योर हेयर, और उसको हीट आयन की हेल्प से उसको फिक्स कर देते हैं. नंबर वन, आपके बाल मैनेजेबल हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ जो स्मूथ हो चुके हैं वो मैनेजेबल दिखते हैं, तो लगता है कि स्ट्रेटनिंग हो रखी है बट एक्चुअली इट्स नॉट स्ट्रेट. अगर आपको बहुत ज्यादा यू नो यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट होम, तो गोइंग टू द पार्लर एंड डूइंग द केरेटिन ट्रीटमेंट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. बट अगर आप थोड़ा सा नेचुरल रेमेडी अपने बालों के लिए कर सकते हैं, यू वुड नॉट रिक्वायर द केरेटिन ट्रीटमेंट फॉर श्योर. सो व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट? देर आर सर्टन हेयर पैक्स जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आप ये हेयर पैक्स अपने बालों के लिए यूज करते हैं, बिलीव मी, यू विल नॉट रिक्वायर द केरेटिन ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर ever. So, जो हेयर पैक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दे आर एक्सट्रीमली रिच इन द प्रोटीन कॉन्टेंट, इन द वाइटामिन कॉन्टेंट, एंड अल्टीमेटली बिल्डिंग अप अ लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन टू योर हेयर. नॉट केरेटिन फॉर श्योर, लेकिन येस अ डिपोजिशन ऑफ अ वेरी गुड प्रोटीन ऑन टू योर हेयर, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल और बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे. अगेन अ नोट, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट आपके बालों में चेंज आ जाएगा. आपको ग्रेजुअली और यू नो करते रहना है ये चीज, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट. सो आई वुड से पेशेंस इज द की टू हैव वंडरफुल स्किन एंड हेयर. सो आई एम डिस्कसिंग विद यू 5 डिफरेंट हेयर पैक्स विच कुड बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट दैट यू डू फॉर योर हेयर, स्पेशली फॉर द केरेटिन वन. सो द 5 बेसिक हेयर मास्क दैट कुड बी कमिंग टू हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस हेयर मास्क. सारे के सारे हेयर मास्क जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, वो सारे के सारे हेयर मास्क आपको अप्लाई कैसे करने हैं अपने बालों में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. अगर आप आज शैम्पू कर रहे हैं, और हमेशा याद रखिए आपका शैम्पू पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होना चाहिए. आप आज अपना हेड वॉश कीजिए एंड द वेरी नेक्स्ट डे, बिकॉज आज ही हेड वॉश किया है, फिर दोबारा हेयर मास्क, देन अगेन अ हेड वॉश, सो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टीडियस एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज, आप आज शैम्पू करेंगे एंड द नेक्स्ट डे आप इनमें से कोई भी मास्क ऑल्टरनेटिवली आप चेंज भी कर सकते हैं. लाइक अगर आपने इस वीक में कोई फर्स्ट वाला हेयर मास्क यूज किया है, तो आप नेक्स्ट वीक सेकेंड हेयर मास्क यूज कर सकते हैं. सो अगर आपने आज हेड वॉश किया है, तो वन सजेशन दैट हेयर ड्रायर यूज मत कीजिए. और अगर करना ही है आपको, लाइक इफ यू आर गेटिंग लेट एंड थिंग्स लाइक दोज, तो आप अपने बालों को हेयर ड्रायर से कम्प्लीटली मत सुखाइए रैंडमली, जस्ट इतना कि वो ड्रिप ना करें, उतना सुखा लीजिए एंड देन लेट इट ड्राई लाइक नेचुरली. देन द वेरी नेक्स्ट डे वॉट यू कैन डू इज, यू हैव टू पैट योर हेयर एंड अप्लाई एनी ऑफ द मास्क दैट आई हैव स्टेटेड, एंड उसके बाद आप अगेन अपना हेड वॉश कर लीजिए. शैम्पू से ही करना है, बट मेक श्योर कि जब भी आप हेयर मास्क के बाद
कोई शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं तो इट शुड बी रियली रियली माइल्ड. कोई ऑर्गेनिक शैम्पू यूज कर सकें तो नथिंग लाइक इट. अदरवाइज कोई भी माइल्ड शैम्पू, आई प्रेफर यूजिंग डव व्हेनेवर आई अप्लाई हेयर मास्क बिकॉज इट इज लाइक नॉट वेरी हार्श ऑन द हेयर. एंड अगर आप करके देखिए, कभी भी अगर आपने बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर रखी है तो डव इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट अंटिल अनलेस यू यूज अ लॉट ऑफ इट. सो दैट शोज दैट इट इज लाइक रियली रियली माइल्ड एंड इट कैन नॉट हार्म एंड इट्स नॉट दैट हार्मफुल फॉर द हेयर. सो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द हेयर मास्क, कि आपको कितनी देर के लिए अपने बालों में ये मास्क लगा के रखना है, इट वुड बी फॉर 30 to 40 minutes डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज इन योर हेयर. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं तो डू कीप इट फॉर 1 hour एंड फॉर द रेस्ट लाइक यू आर डूइंग इट फॉर कंडीशनिंग एंड फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स तो आप इसको 30 to 40 minutes रख सकते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इट वॉज लाइक बहुत छोटी सी और जनरल सी बात थी बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. अगर आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से इम्प्लीमेंट करें तो यू विल सी इट इज लाइक रियली सिंपल येट वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर हेयर. सो डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो कि आपके लिए ये सारे मास्क कैसे रहे एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स फॉर यू. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन आउट ऑफ ऑल ऑफ यू एज टू हाउ वर द मास्क. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू अबाउट द हेयर. Till then, take really good care of yourself and stay at home.